मुंबई से रांची खाली हाथ आई थी लौटते समय गोद में दूध मुही बच्ची थी बच्ची का नाम और उम्र पूछने पर निखत परवीन गड़बड़ा गई। तक पकाई निखत बच्ची की उम्र कभी पंद्रह दिन तो कभी तीन दिन बताने लगी इस पर एयरपोर्ट में तैनात सीआईएसएफ के जवानों को शक हो गया न तो बच्ची के नाम ऐसी टिकट था और न ही बर्थ सर्टिफिकेट उसे इंडिगो की फ्लाइट ऐसी उड़ान भरना था बच्ची का नाम टिकट में जुड़वाने के लिए काउंटर आरोप पहुँची आरोप उसकी चाल पकड़ में आ गयी इंडिगो फ्लाइट के मैनेजर रिजवान कादिर ने जांच की तो खुलासा हुआ कि निखत परवीन बीते 11 जनवरी को बिना बच्ची के मुंबई से रांची आई थी 13 जनवरी को दिन के 2 बजे मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। उसने 12 जनवरी को ही ऑनलाइन टिकट बनवाया था लेकिन उसमें बच्ची की एंट्री नहीं करवाई थी पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच पड़ताल से खुलासा हुआ कि इस बच्ची को बाईस हजार रूपए में खरीद कर वह ले जा रही थी संभवतः यह बच्ची रांची के सोना हाथों में रहने वाले किसी दंपत्ति की है पुलिस ने इसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला माना इसकी जानकारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की दुर्गा गुप्ता को दी गई। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर निखत परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया वहीं पुलिस आगे कानून सम्मत कर रही है पुलिस ये पता करने की कोशिश में है कि ये बच्ची किसकी है यह खरीद बिक्री का मामला है या कुछ और गिरफ्तार निखत परवीन के रांची में किससे क्या कनेक्शन है इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है कोहराम लाइव के लिए रूपम की रिपोर्ट